अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम फायर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और प्रिंसिपल ऑफ फायर के बारे में पढ़ेंगे। फायर ट्रायंगल होता क्या है और किस तरह इससे आग लग सकती है और क्या एहतियाती तदाबीर प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए ताकि हम आग से बच सकें और आग बुझा सकें। Please kindly subscribe our HSE channel and press the bell icon for the updated videos. It's beneficial for you because you will get the latest knowledge and information regarding HSE and KHSE which will brighten your future. Three things must be present for a fire to start: fuel, oxygen, and heat. The basic principle of fire and combustion can be represented by the fire triangle. For the fire to exist, three things must be present: fuel, oxygen and heat. Fire triangle हम किस चीज़ को बोलते हैं? There are three elements included in fire triangle: heat, fuel, oxygen. Fire triangle एक three elements से बना हुआ triangle है। इन तीन element की वजह से fire जो है एक workplace पे, एक organization पे, एक area पे या एक building में लग सकती है। जिस जगह पे heat हो, जिस जगह पे fuel हो, जिस जगह पे oxygen हो at a time, तो उस जगह पे आग लगने के चांसेस ज़्यादा है। अगर किसी भी एक सोर्स को आप हटा दें, आप हीट को हटा दें, तो फ्यूल और ऑक्सीजन की वजह से आग नहीं लग सकती। अगर आप ऑक्सीजन को हटा दें तो हीट और फ्यूल की वजह से आग नहीं लग सकती। अगर आप फ्यूल को हटा दें तो हीट और ऑक्सीजन की वजह से आग जो है वो नहीं लग सकती। तो ये तीन एलिमेंट्स है जिसके मिलने से आग लग सकती है, और किसी भी एलिमेंट ना होने की सूरत में आग नहीं लग सकती। या किसी भी एलिमेंट को आप हटाते हो, या आप हीट को हटाते हो, या ऑक्सीजन को, या फ्यूल को, एक भी एलिमेंट में आप इसमें हटाओगे तो आग जो है इजीली बुझ सकती है। आग को आप किस तरह बुझा सकते हैं? जब आप स्मोदरिंग करते हो, सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आप हटा सकते हो एक्सटर्नल साइड से भी, इंटरनल साइड से भी। आप किसी भी तरीके से जब ऑक्सीजन को हटाते हो तो आग जो है इजीली बुझ सकती है। पॉइंट नंबर टू में कूलिंग आता है। जब आप कूलिंग करते हो, रिमूव ऑफ हीट, जितनी भी हीट सोर्सेज है वहाँ पे किसी भी तरीके से उनको हीट मिल रहा है, अगर आप हीट सोर्स को कूल करते हो या रिमूव करते हो तो आप इजीली आग को बुझा सकते हो। पॉइंट नंबर थ्री, स्टार्विंग, सेपरेशन फ्रॉम फ्यूल। जितने भी फ्यूल सोर्सेज हैं हीट को इग्निशन देने के लिए, अगर आप उनको हटाते हो तो आप इजीली आग को रिमूव कर सकते हो, आग को आप बुझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूल में कौन सी चीज़ें इंक्लूड है जो आग को ईजिली पकड़ सकती हैं? हमारे साथ पेपर्स भी है इसमें, हमारे साथ कपबोर्ड भी है, वुड है, सॉफ्ट फर्नीचर है, स्ट्रक्चर मटेरियल्स है, पेट्रोल्स है, डीजल्स है, इस तरह बूटेन एंड एसिटाइलीन है, और इसी तरह अदर गैसेस, सॉल्वेंट्स एंड केमिकल्स है जो आग को ईजिली पकड़ सकती है। इन सारी चीज़ों को मिला के फ्यूल सोर्स बनता है। और इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन है जिसका कंसनट्रेशन लेवल 21% है। ये हवा में मौजूद होता है और आग को लगाने में काफ़ी हेल्प करता है। तो जब कोई केमिकल्स के वजह से या कोई इग्निशन सोर्स के वजह से, फ्यूल के वजह से, वुड या फर्नीचर को आग लगती है तो ये हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट। और लास्ट में हमारे पास है हीट, जिसे हम सोर्स ऑफ इग्निशन भी कहते हैं। ये एक अहम एलिमेंट है एक फायर ट्राइंगल पे जो आग को लगा सकती है। हीट एक ऐसा सोर्स है जो किसी भी तरीके से जो है आग को लगा सकती है। हीट हमें लाइट से भी मिल सकता है, हीट हमें सन से, सूरज से भी मिल सकता है, हीट हमें कोई केमिकल्स है या कोई मटेरियल्स है, सब्सटेंसेस है, उसकी अपनी भी हीट होती है, उसकी वजह से आग को पकड़ सकती है और आग को लगा सकती है। आप किसी भी सोर्स को हटाएंगे, किसी भी एलिमेंट्स को आप फायर ट्रायंगल में हटाएंगे तो आग जो है इजीली बुझ सकता है। हीट को हटाओ, ऑक्सीजन को हटाओ या फ्यूल को हटाओ, किसी भी एक सोर्स को जब आप हटाओगे तो फायर जो है इजीली बुझ सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियोस टॉपिक की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन से हासिल कर सकते हैं, जिसको आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। जो भी क्वेश्चंस हो, अगला वीडियो किस चीज़ को ऊपर बनाएं वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। HSE ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।